हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डा पर आपका स्वागत है। एंड फाइनली सभी नीट 2021 के एस्पिरेंट के लिए एक बिगेस्ट अपडेट है गाइस। तो अपडेट क्या है उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो फाइनली आपके प्रिय एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने आपका जो नीट 2021 का सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है और इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। ओके गाइस, तो आपके जो प्रिय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने कितना सिलेबस है जो आपका रिड्यूस किया है और जो न्यू सिलेबस है वो क्या है, तो इसी के बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहे। हेलो गाइस, तो फाइनली आप सभी नीट 2021 के एस्पिरेंट के लिए एक बिगेस्ट गुड न्यूज है गाइस, और उसी गुड न्यूज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप सभी के प्रिय एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने आखिरकार उस सवाल का जवाब दे ही दिया जिस सवाल का आपको काफी दिनों से इंतजार था। ओके गाइस, तो आखिरकार जो उन्होंने सोमवार को उस सवाल का जवाब दे ही दिया, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में यही डाउट था कि जो नीट 2021 का सिलेबस है वह क्या रहेगा, अगर रिड्यूस होगा तो कितना परसेंट रिड्यूस होगा और जो नया सिलेबस है वह क्या होगा। तो गाइस, जो इसका जो जवाब है वो सोमवार को डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने दे दिया है। तो देखते हैं कि उन्होंने जो है कितना सिलेबस रिड्यूस किया है और न्यू सिलेबस जो है वो आपका क्या है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, तो जैसे आप ये न्यूज़ देख रहे हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने आखिरकार उस सवाल का जवाब दे ही दिया जिसका इंतजार देश के लाखों स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस साल जेमेंस और नीट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देखते हैं इन्होंने कितना जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करने के बारे में बोला है। तो गैस, दरअसल सोमवार को 18 जनवरी 2021 को लाइव वेबिनार के जरिए निशंक ने देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत की, और इसी दौरान निशंक से स्टूडेंट के कई सवाल के जवाब भी दिए। मतलब स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछे और उन्हीं सवालों के जो जवाब जो है डॉक्टर निशंक ने दिए, और इनमें से एक सवाल था कि जे मेन्स एडवांस और नीट का जो सिलेबस है उसको लेकर भी था, किसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, और उन्होंने जवाब भी दिया कि आपका जो सिलेबस है वो कितना रिड्यूस किया है। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपका कितना सिलेबस है रिड्यूस किया और आपका न्यू सिलेबस जो है वो क्या है। ओके गाइस, तो बात करते हैं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने, आपके प्रिय एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला सिलेबस को रिड्यूस करने के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने बोला है कि स्टूडेंट को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कम किया है, उसमें से सवाल नहीं आएंगे। ओके गाइस, तो ये सीबीएसई का सिलेबस था जिसमें से 70% सिलेबस आएगा और 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। ओके गाइस, तो उसके बाद बोलते हैं कि बोर्ड के लिए इस बार आप जितने सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से ही जे मीन्स एडवांस और नीट में भी सवाल पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जे मेंस एडवांस और नीट में जो है 30% जो सिलेबस है उसको यहाँ पर कम कर दिया। तो आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वही सिलेबस आपके जे मेंस एडवांस एंड नीट में रहने वाला है। ओके गाइस, तो आपका जो सीबीएसई का सिलेबस क्या है वही सिलेबस आपके जी मेंस एडवांस एंड नीट में रहने वाला है। तो गाइस, आप सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लेना और उसका कितना जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया है, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, और जो रिड्यूस नहीं किए सीबीएसई ने वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उनमें से ही जो है आपके नीट में सवाल पूछे जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो आप जो है न्यू सिलेबस सीबीएसई का डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो, या फिर जो है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके रिड्यूस हो गए और कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। तो ओके गाइस,
तो उसका जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। और गाइस हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी जो आपको PDF फाइल के तौर पर जो है न्यू सिलेबस जो है नीट का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप आप जुड़ सकते हो और वहाँ पर आपको जो है नीट का जो न्यू सिलेबस है वो वहाँ पर आपको PDF फाइल के तौर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और जब भी कोई नीट के बारे में कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो उसका अपडेट जो है सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस आज के वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।